हॉरर और कॉमेडी इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर भाई हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन मैड डॉग ने इस जॉनरा को भाई एक यूनिवर्स में बदल दिया है जहां हमें स्त्री दिखी, मुंजिया दिखी, रूही दिखी और भेड़िया भी दिखा। और अब फाइनली इस यूनिवर्स की सबसे एंटिसिपेटेड मूवी स्त्री 2 आ रही है। अब इस चीज़ से हमें क्या समझ में आता है? सबसे पहली बात तो ये कि जहां स्पाई यूनिवर्स में अभी तक हमें कोई तगड़ी टाइमलाइन का खेल नहीं देखने को मिला है, जहां हमें अभी तक KGF यूनिवर्स अच्छे से दिखा ही नहीं है और जहां हमें लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में सब चीजें दिख रही है सिवाय एक चीज के, मैड डॉग अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में हमें वही चीज दिखा रहा है यानी कि फेजेस। कहने का मतलब ये है कि मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का फेज 2 स्त्री 2 से चालू हो रहा है। और भाई ये चीज अभी तक किसी भी इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें देखने को नहीं मिली। मतलब भाई मैड डॉग पूरी प्लानिंग से चल रहा है, क्योंकि अभी तक हमें इस यूनिवर्स में सिर्फ हल्के फुल्के कैमियोज ही दिखाए गए थे और अब स्त्री 2 से बिग पिक्चर यानी कि टाइमलाइन का खेल शुरू होने वाला है। तो इस टाइमलाइन को समझने के लिए अपनी थ्योरी की शुरुआत करते हैं स्त्री 2 के ट्रेलर के एक डायलॉग से, जहां पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर कहता है कि स्त्री के जाते ही वो आएगा यानी कि सरकटा, जिससे ये क्लियर होता है कि स्त्री मूवी में जब स्त्री चली गई थी उसके तुरंत बाद ही स्त्री 2 की टाइमलाइन चालू हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने तुरंत बाद? तो इस चीज को पता लगाने के लिए हमें एक और कैरेक्टर पे ध्यान देना होगा, जना के कैरेक्टर पे। तो ट्रेलर के एक सीन में जना को सरकटा काट रहा है और उसके बाद हमें दिख रहा है कि जना को दौरे आना शुरू हो गए हैं और उसकी मम्मी भी चिंता कर रही है इस चीज को लेकर। और दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखी होगी भेड़िया मूवी तो वहां हमें पता चलता है कि वरुण धवन कहते हैं कि जना को दौरे आते हैं, जिसका मतलब साफ है कि स्त्री 2 की टाइमलाइन भेड़िया मूवी से पहले की होगी, क्योंकि तभी जना को उसकी मम्मी ने भेड़िया वाले यूनिवर्स में भेज दिया था जैसा कि हमें भेड़िया मूवी में पता चला था। तो इस चीज से ये क्लियर होता है कि भाई भेड़िया का कैमियो या फिर कनेक्शन हमें स्त्री 2 में देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन स्टिल भाई फेज 1 में अभी भी बहुत सी मूवीज बाकी है जैसे मुंजिया और रूही, तो उनका कोई ना कोई कनेक्शन हमें जरूर देखने को मिलेगा स्त्री 2 मूवी में। बात रही सरकटे की, तो अभी तक आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि सरकटे का रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं ये चीज तो फैंस ही बता सकते हैं, लेकिन थ्योरीज के हिसाब से ये क्लियर हो रहा है कि सरकटा एक ब्रिटिशर है जो कि सुपरस्टिशंस को बहुत मानता था और श्रद्धा कपूर एविल एंटिटीज को काबू में कर उनकी पावर्स को पोसेस करती है। इसीलिए हमें ट्रेलर के एक सीन में श्रद्धा कपूर भी घोस्ट जैसी दिख रही है और श्रद्धा का अस्त्र यानी कि चोटी अस्त्र भी हमें फुल पावर में स्त्री 2 में दिखने वाला है, जो हमें स्त्री 1 के एंड में दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों देखो, हमने अभी तक जो थ्योरी बनाई है उस हिसाब से तो भेड़िए का कैमियो हमें नहीं दिखने वाला, लेकिन भाई मैं फिर भी चाहता हूँ कि भेड़िया भी आए स्त्री 2 मूवी में और एक अच्छा सा कनेक्शन हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सिर्फ कैमियो पे चलने वाले यूनिवर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है स्पाई यूनिवर्स। हमें चाहिए तगड़े टाइमलाइन, तगड़ा कनेक्शन और एक अच्छा सा फेज एग्जीक्यूशन। तो सोचो भाई अगर सही में हमें वरुण धवन एज भेड़िया स्त्री 2 मूवी में देखने को मिल जाए तो भाई मजा आएगा नहीं आएगा? क्योंकि भाई आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मुझे तो भेड़िया मूवी बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन अगर स्टिल हमारी थ्योरी सही निकलती है और फिर भी हमें स्त्री 2 मूवी में कोई भेड़िया दिखता है तो भाई उस चीज से ये क्लियर होगा कि वो भेड़िया वरुण धवन नहीं बल्कि कृति सेनन होगी, जबकि कृति सेनन भेड़िया मूवी में मर गई थी। लेकिन स्त्री 2 की टाइमलाइन स्त्री 1 के बाद की ही है और भेड़िया से पहले की है, तो तब कृति सेनन जिंदा थी और वो ही असली भेड़िया थी उस वक्त। तो उस चीज से भी हमें टाइमलाइन का अच्छा खासा हिसाब मिल जाएगा। स्त्री 2 एक हाईली पोटेंशियल मूवी है जिसमें हमें सब कुछ देखने को मिल सकता है, सस्पेंस, स्टोरी, डर और भर भर के कॉमेडी। और क्या चाहिए भाई? वैसे हमें चाहिए तगड़ा फेज 2 कनेक्शन भाई, जो हमें मिल सकता है स्त्री 2 से। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में स्त्री 2 से रिलेटेड अपनी फैन थ्योरी जरूर लिखें, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।